आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में मिनाल खान ने गरीब लोगों की मदद करके सबके दिल जीत लिए। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मिनाल खान ने तमाम तर गरीब लोगों के लिए इफ्तारी का बंदोबस्त किया हुआ है। मिनाल खान का कहना था कि उन्होंने इस साल ठान लिया था कि वह तमाम तर लोगों की मदद करेंगे और उनकी इफ्तारी करवाएंगे। अब हाल ही में देखा गया था कि अमन खान ने भी अपने ससुराली फैमिली में पूरी शोबिज इंडस्ट्री को बुलाकर उनकी इफ्तारी की थी और अपने तमाम तर फैंस को हैरान कर दिया था। दोनों बहनें बढ़ चढ़ कर नेकियां करती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि वो अपने फादर को इसका सालिस स्वाब पहुँचाना चाहती है। इस वीडियो में आप सब देख सकते हैं कि मिनाल खान एक टेबल के पास खड़ी हुई है और इसमें उन्होंने ढेरों बॉक्सेस बना रखे हैं गरीब लोगों को देने के लिए। यही नहीं बल्कि उन्होंने सड़क पर बांटने के लिए भी काफी इमदारी का इंतजाम किया हुआ है। इसमें उन्होंने दरियां बिछाई हुई हैं और तमाम तर लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त किया हुआ है और एक तरफ जामे शरीफ के बर्तन हैं। जो जो भी राहगीर आता जा रहा था वो वहाँ से खाना खाता जा रहा था। यही नहीं बल्कि मिनाल खान ने अब मजीद बढ़ चढ़ कर नेकियां करने का फैसला किया है तो उन्होंने औरतों को सूट भी दिए हैं। वो ऐसी औरतों के पास गए जो कि बहुत ही ज्यादा गरीब थी, वो किसी भी चीज को अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो मिनाल खान ने उनकी हेल्प की। तमाम तमाइयां देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुई, उन्होंने मिनाल खान को काफी ज्यादा दुआई दी और गले से भी लगाया। मिनाल खान ये सब देख के काफी ज्यादा खुश हुई और बहुत ज्यादा इमोशनल भी हुई। ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पे आई तो तमाम तो फैंस का कहना था कि मिनाल खान ने ये सब करके तो हमारा दिल ही जीत लिया है। मिनाल खान का कहना था कि सिर्फ हमें रमजान मुबारक के महीने में नहीं बल्कि पूरा साल भर चढ़कर नेकियां करनी चाहिए और सवाब कमाना चाहिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर रमजान में हर एक एक्ट्रेस की यही कोशिश होती है कि वो बढ़ चढ़कर नेकियां करे। मिनाल खान की इस नेकी को देखकर सबका दिल बाग बाग हो गया। तो दोस्तों, आपको मिनाल खान की वीडियो कैसे लगी है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलती है एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय।